नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ भटूरे। भटूरे कैसे बनाते हैं मैं आज आपको वो इंग्रेडिएंट्स पूरा मिला के आपको कैसे भटूरे बनाते हैं मैं आपको बता आज सिखाऊंगी मैं आज। उसके लिए चाहिए हमें मैदा। मैदा मैंने ये बड़े वाले चम्मच से मैंने ये लिया है, ये मैंने 4 चम्मच लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए नमक, चीनी, बेकिंग पाउडर, सोडा स्वाद अनुसार। उसके लिए चाहिए हमें दूध, उसके लिए चाहिए हमें दही और थोड़ा सा ऑयल। अभी मैं आपको मिक्स करना बताऊंगी। मैं मैदा लिया है मैंने, ये मैंने आपको पहले बताया था, 4 स्पून लिया है मैंने। ये देखिए, ये मैंने 4 स्पून इसके अंदर डाल दिया मैदा। अब इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ ये। उसके बाद चाहिए हमें नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ले लीजिए। ये है नमक, चीनी भी इसमें आधा लगेगा। ये है बेकिंग पाउडर, 2 स्पून लगेंगे। और ये है सोडा, मैंने लिया है आधा। तेल 2 स्पून, अभी मैंने ये दही से, ये सारा कमाल इस दही में है, हमारे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। आपको दही से मिक्स करना है। देखिए ये दही है, ये देखिए हमारी गाड़ी से दही से हमने इस मिक्सचर को पहले इसको मिला देना है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है हमें, पहले जो हमने ये सब डाला है। ऐसे मिक्स होने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है। देखिए हमारा बन गया ही। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमने, ये देखिए इसके पानी की जरूरत नहीं होती है भटूरा बनाने के लिए हमें। ये देखिए, ये देखिए, आप इकट्ठे मत डालना, धीरे धीरे करके डालना। कुछ भी गूंदने से पहले, गूंदते हैं आटा गूंदते हैं या कुछ भी गूंदते हैं, पानी धीरे धीरे करके डालना चाहिए। ये देखिए, इसको जितना अच्छा मसलेंगे उतना अच्छा बनेंगे हमारे। ये देखिए, अगर आपको कोई मेहमान आ रहे हैं, कुछ आने हैं, भटूरे बनाने हैं आपको, तो आप क्या करना है, 4 घंटे पहले ही ये आटा मार के रख लेना है। ये देखिए आटा कितना अच्छा से गूंद गया है। अभी इसको मैं क्या करना है, 4 घंटे के लिए मैंने ढक के रख दिया है। मैंने एक कपड़ा लिया है, ये देखिए कपड़ा लिया है मैंने, ये कपड़े को मैंने ऐसे ढक दिया है। ढकने के बाद मैंने 4 घंटे के बाद मैं आपको भटूरे बनाने सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लिए बना रही हूँ भटूरे। मैंने आपको सुबह मैंने आटा मार के रखा है ना, ये देखिए आटा हमारा कितना अच्छा लग रहा है, आटा हमारा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए अभी मैं बना रही हूँ भटूरे। ये देखिए हमारा कितना आटा कितना अच्छा हो गया है, कितना अच्छा आटा हो गया। देखिए अभी मैं आपके लिए भटूरे बनाना दिखा रही हूँ। ये आपको पनीर के साथ, छोले के साथ, राजमा के साथ, आप किसी से भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, लेकिन छोले के साथ खाएंगे तो और भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी ये मैं बना रही हूँ, ये देखिए धीरे धीरे।
ये देखिए, जैसे हम पूरी बनाते हैं ना ऐसे ही बनाना है, बस इसका आटे का ध्यान रखना है आपने। आप बाहर जाने से अच्छा है आप घर में बनाएं, बच्चे को खिलाएं, सबको खिलाएं, बहुत ही अच्छे रहेंगे। हमारे दोस्त लोग भी आएंगे तो वो भी बहुत अच्छा पसंद करेंगे कि भटूरे बने हैं, और आपसे भी सीख के जाएंगे। ये तो मैं आपको छोटे भटूरे दिखा रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। तो कितने अच्छे भटूरे हो गए, ये देखिए। दो तीन बार ऐसे कर लेना कि हमारे कितने अच्छे हो गए, कहीं भी मोटा नहीं, कहीं पे भी पतला नहीं है। ये हमारा भटूरा तैयार हो गया है। तेल गरम होने के लिए रखते हैं। कितना अच्छा भटूरा बन गया है। अभी हमारा तेल गरम हो रहा है, मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भटूरा डाल दिया है, अच्छा है। ये देखिए हमारा भटूरा कितना अच्छा फूल रहा है। ये फ्रेंड्स हमारे कितना सुंदर भटूरा फूल गया, ये देखिए बाजार की तरह के। ओ कितना अच्छा बना है, देखिए आप ये जरूर रेसिपी ट्राई करिए। ऐसे करेंगे दो बार और हम डाल देंगे, तो देखिए अंदर, और साथ ही हम घुमाना शुरू कर देंगे। 5 मिनट पे भी लेट नहीं करना है फ्रेंड, नहीं तो भटूरा हमारा फूलेगा नहीं। ये देखिए हमने ये हमारे बहुत ही अच्छे भटूरे बने हैं, मार्केट के जैसे। तो मैं गैस ऑफ करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे भटूरे बन गए हैं, देखिए भटूरे। और ये भी भटूरे देखिए, ये कितना स्मूथ ही जा रहा है, आपको इतना स्मूथ कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना स्मूथ है। मैं ये आपको नज़दीक से और दिखा रही हूँ, ये देखिए हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे भटूरे कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए हमारी ये सब्जी है, मिक्स वेजिटेबल है हमने रखी है, आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी ये कैसे बने हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए हैं, आप इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर ये पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए।